नमस्कार, कक्षा प्रत्येक विषय गणित अध्याय एक संख्या का भाग सात। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अंकों से परिचित। दैनिक जीवन में भारतीय अंकों का प्रचलन आज भी चल रहा है। आपने देखा होगा भारतीय पंचांग है, ज्योतिष द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त में और वास्तुशास्त्र शुभदायक यंत्रों में व्यापारियों वर्ग इन सभी में ये भारतीय अंक चल रहे हैं। भारतीय अंकों का प्रचलन चल रहा है, इसलिए इसमें भी आपको हम आज भारतीय अंकों से परिचय करवाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये है मानक संख्या। मानक संख्या जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ठीक है, अब हम यहां मानक संख्या को भारतीय अंकों से लिखेंगे, यानी हिंदी संख्या लिखेंगे। जैसे एक है तो एक को ऐसे लिखेंगे, दो है, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और इस प्रकार से। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हिंदी संख्या एक से दस तक, आपको एक से दस तक अंक ये आपको याद करने हैं, बिना देख के लिखने आने चाहिए आपको। इससे पहचान होनी चाहिए आपको, हिंदी अंकों की एक से दस तक पहचान होगी तो आप फिर सौ तक आप हिंदी अंकों को लिख सकते हैं। तो ये इसका स्क्रीन शॉट लो और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है इसको। ठीक है, अब जैसे कोई संख्या आती है अपने सामने, कोई प्रश्न आ जाता है भारतीय अंकों में संख्याएं लिखिए, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ऐसे ये संख्या है, ये मानक संख्या है, तो इसको अपने को भारतीय अंकों में लिखना है। तो दो के ऐसे लिखते हैं, पहचान होनी चाहिए अंकों की, तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। और एक, ये 21 हो गए, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27 और ये 28। इस प्रकार से लिखना, जैसे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। अब इसको भारतीय अंकों में लिखना है तो ये 6 और ये 61, ये 62, ये 63, ये 64, ये 65, ये 66, ये 67 ये 68। इस प्रकार से और भी कई ऐसी संख्या है, आपको एक से दस तक हिंदी अंक आपको याद करने हैं, तो उसके बाद में आप एक से सौ तक ये हिंदी अंक आप लिख सकते हैं। जैसे कोई प्रश्न भी हो सकता है, जोर भी करो, जो
जोड़ करो, हिंदी अंकों में तो आपको उन अंकों की पहचान होनी चाहिए। ये 8 है, ये 3 है, 2 है और 5 है, तो 3 और 5 8, 8 को आपको हिंदी अंकों में लिखना है। ये 8 और ये 10 है, तो 10 को भी हिंदी